नमस्कार दोस्तों, आप सभी के YouTube चैनल ब्रिस्टिक में स्वागत है। आज हम कुछ आपसे बात करने वाले हैं, जो पिछला ट्यूटोरियल में हमने एक क्वेश्चन दिया था, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में। तो आपको बताना था कमेंट सेक्शन में कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको देना था। तो बहुत सारे दोस्तों ने दिया है सही, भी कुछ गलत भी दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 सितंबर। जिन दोस्तों ने गलत आंसर दिया है वो कृपया करके ये ट्यूटोरियल देखें और समझें कि वो गलत था, कि 5 सितंबर ही होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक, कुछ लोगों ने 5 दिसंबर बताया, कुछ नवंबर बताया, कुछ जनवरी बताया। तो सभी ने कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों ने 5 सितंबर ही बताया, जो कि सही आंसर था। तो चलिए अगला ट्यूटोरियल हम देखते हैं दोस्तों आज का, जो कि पहला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उत्तर होगा कोसी नदी को। कोसी नदी ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर। तो अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई वी चौहान। वाई वी चौहान, ठीक है, वाई वी चौहान चौहान थे जो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? भारत में रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो उत्तर होगा इसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व, ऐसा कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो उत्तर होगा इसका सल्फर। सल्फर है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ऐसा एक तत्व है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो हम अगला देखते हैं, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ऐसा कौन सा है जिसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम भविष्य की धातु कहा जाता है, टाइटेनियम जो है वो भविष्य की धातु कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो उत्तर होगा स्टील में। स्टील में ध्वनि की अधिकतम चाल होती है दोस्तों। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? मतलब असम एक राज्य है, ठीक, और वहां पे एक नदी है द्वीप माजुली, ठीक, नदी द्वीप है जो सबसे बड़ा है असम में, वो उसे नाम है माजुली। तो किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो उत्तर होगा पातालपुरी। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर होगा द्वीप माजुली। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है दोस्तों? लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। इसका आंसर होगा बढ़ता है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो हीटर के तार जो है वो नाइक्रोम के बने होते हैं। काहे के? नाइक्रोम के बने होते हैं दोस्तों। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि काहे के बने होते हैं, तो ये आपको बताना है कि हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि भारत के राष्ट्रीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं, लेखक हैं, उन्होंने लिखा है जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने और किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो उत्तर होगा बांग्लादेश दोस्तों। तो बांग्लादेश ऐसा देश है जिसका राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो अगला हम देखते हैं, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर होगा आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा ही असमिया भाषा के मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक हैं थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे जे थॉमसन। कौन है? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे जे थॉमसन। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी प्रयुक्त की जाती है? गैस प्रयुक्त। अच्छा, मतलब रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज, ठीक। फ्रिज में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो उत्तर होगा फ्रियान। फ्रियान जो गैस है वो प्रयुक्त किया जाता है रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अभी अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ, माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल ने किया है, इस तरह से हम कह सकते हैं। मतलब याद करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है।
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, मतलब उत्तर और पूर्व सीमांत में रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव है। कौन सा है? मालीगांव है दोस्तों, मालीगांव ही है। चलिए अगला हम देखते हैं। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड जो है वो विधिवत राज्य कब बना? तो सन उत्तर होगा इसका सन 1963 ईस्वी में। ठीक, सन 1963 ईस्वी में। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? सेल या कोशिका हम बोल सकते हैं, अमीबा, अमीबा। ठीक, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और उसमें एक ही कोशिका होती है, इसलिए एक होगा इसका आंसर अमीबा पैरामीशियम। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों, और जो मनुष्य होता है वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। वायुमंडली दाब नापने मापने का पैमाना है, मतलब वायुमंडली दाब को नापना है, यदि मापना है तो उसका पैमाना क्या होगा? बैरोमीटर होगा दोस्तों। क्या होगा? बैरोमीटर। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? घनत्व के कारण होता है दोस्तों। ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति किसने लिखा है? ये हमारे भारत देश का बहुत ही फेमस गाना है। ठीक है, ऐ मेरे वतन के लोगों। ठीक, इस गीत का को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रदीप। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो अगला हम देखते हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? मतलब असम एक राज्य है भारत का, जहां पर एक व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, वो कौन है? ठीक है, उत्तर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने असम के हैं और वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए 25वां बता, 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी, मतलब जो घर में उपयोग होता है चीनी, उसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है। तो उत्तर होगा सुक्रोज। सुक्रोज पाया जाता है दोस्तों, सुक्रोज पाया जाता है। जो चीनी होती है जो घर में यूज होती है उसमें सुक्रोज पाया जाता है। तो चलिए आज का हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, इसका आंसर बहुत ही सरल है दोस्तों, और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही टफ है। उनको बता पाना ही बहुत बड़ी बात है, हर कोई बता भी नहीं पाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए हम बात करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपने इस वीडियो हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी ये कंपटीशन की तैयारी कर सकें। और मैं यहाँ पे डेली एक वीडियो चलाता हूँ जिसमें कंपटीशन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप कभी नहीं कह सकते हैं कि ये कंपटीशन में ना आते होंगे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन से मैंने उठाए हैं, पुराने पेपर्स को सॉल्व करता हूँ, और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, सटीक आंसर होते हैं, उनकी मैं वीडियोज बनाता हूँ, जिससे मेरा भी प्रिपरेशन होता है और साथ में आप सभी क्या होता है दोस्तों। और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ में वीडियो आपको कैसा लगा हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए धन्य धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद।